प्यार, वो अपनापन, वो शादी, सब सब झूठ था, सब झूठ था, छलावा था, धोखा था। इतना बड़ा सच छुपा उसने मुझसे, इतना बड़ा सच। इच्छा, इच्छा, अरे उठी नहीं अभी तक, कब तक सोती रहेगी? चल आजा जल्दी, सबको चाय नाश्ता देना है ना। दादी जी चाय। इच्छा कहाँ है, उठी नहीं अब तक? शायद नहीं दादी जी, दो बार आवाज दे चुकी हूँ, ना कोई जवाब आया ना बाहर आई। इतनी देर तक तो कभी सोती नहीं, फिर आज कैसे? हाँ रात में देर से सोई होगी, बबल पूजा में गया था, देर से आया होगा और ये उसका इंतजार करते हुए बैठी होगी। अच्छा अब समझ में आया। देखिए ममता, कैसी चाय बनाई है, कितनी पत्ती डाल दी, चाय कड़वी हो गई है। एक काम कर, जब इच्छा उठ जाए तो उससे कहना हमारे लिए चाय बना दे, उसकी चाय बिल्कुल सही होती है, न ज्यादा कड़वी न ज्यादा मीठी। सो तो है दादी जी, उसके हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद ही अलग होता है। अम्मा जी इच्छा कहाँ है, रसोई में भी दिखाई नहीं दी। अब क्या काम है तुझे उससे? मुझे क्या काम होगा, अरे काम तो इन्हें है, आप तो जानती है ये रोज सुबह इच्छा के हाथ की बनी हुई लस्सी पीते हैं, आज लस्सी टाइम पर मिली नहीं तो उखड़े हुए हैं। जिसे देखो उसे इच्छा के हाथ की बनी चीजें ही चाहिए। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये लोग सुबह से लेकर रात तक इच्छा इच्छा करते रहते हैं, इतनी आदत हो गई है इन्हें इच्छा की। ओहो, प्रबल साहब सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं, वाह जरा जोर से पढ़ते। मर्दे अखबार, अरे किसके सर पे मर्दू अखबार? मारे सर पे मर्दे, अरे भाई मैंने बोला जोर से पढ़ दे, जोर से पढ़ दे। ठीक है बता। पढ़ पढ़। हे भगवान, रे भाई उनका दिन क्यों खराब कर रहा है तू? अरे खबर ही ऐसी है पिताजी, एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसकी लाश छुपा दी और घर वालों के पूछने पर बताया कि मायके गई हुई है। मन तो कर रहा तेरे एक थप्पड़ लगा दूं। मेरे क्यों थप्पड़ लगा दो, झूठ उसने बोला, हत्या उसने करी, आप मुझे थप्पड़ लगा रहे हो। रे सुबह सुबह मनोज खबर क्यों पढ़ रहा है? अरे जो छपा है वही तो पढ़ूंगा ना। अरे ये अखबार वाले तो घटनाओं को बड़ा चढ़ा के छापे हैं। मैं समझा ना? समझाता हूँ, अरे समझाता हूँ। देख छोरे, खबरें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उन्हें समझना भी पड़ता है। उस आदमी ने अपने घर वालों को बताया कि उसकी पत्नी महके गई, घर वालों ने तुरंत यकीन कर लिया, घर वालों ने यह नहीं पूछा कि वो क्यों गई, कब गई, किस लिए गई, कैसे गई। घर की बहू घर के बड़े बुजुर्गों को बिना बताए कभी महके जाती है के? मुझे कैसे पता, मैं कोई बड़ा बुजुर्ग थोड़ी ना हूं। तू तो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। वो तो हूँ पिताजी। अकल से तू ये मनुष्य खबरें पढ़, मैं तो जा रहा हूँ खेतों में चक्कर लगाने। खेतों में चक्कर लगाने? अरे पिताजी आपको किसी ने गलत जानकारी दी है, खेतों में शक्करनी गन्ने लगाते हैं और गन्ने से शक्कर निकलती है। अरे इतने बुजुर्ग हो गए ये भी ना पता। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, पता ही नहीं था मुझे तो। अरे भाई मैंने कहा खेतों में चक्कर लगाने शक्कर ना। अच्छा ठीक है पिताजी, तो मैं भी चलता हूँ। चाय चाय चाय। अम्मा जी मैं चाय बना कर ले आई हूँ, देखे आपको मेरे हाथों की चाय पसंद आती है कि नहीं। अरे बबल अच्छा हुआ तू आ गया, तो मैं थारे कमरे में ही आ रही थी। अच्छा छोरा ये बता पूजा कैसी थी, रात को कब लौटा? हम तो सब सो गए थे लेकिन इच्छा। आप लोग इच्छा इच्छा करना बंद करेंगे प्लीज। ये हो गया छोरा तू ऐसा क्यों बोल रहा है, इच्छा से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं दादी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर इस तरह से तू चंचल तो रुक जा, ये कुछ नहीं बताएगा, मैं इच्छा से पूछता हूँ। इच्छा घर में नहीं है। घर में नहीं है मतलब मंदिर गई है के?
या तुझसे रूठ कर बाहर। दादी वो कल रात को ही घर छोड़ के चली गई है। अपने पिता के साथ ऐसे कैसे गई? क्या करा तूने? नहीं नहीं, इच्छा ऐसा नहीं कर सकती। इच्छा घर छोड़कर क्यों जाएगी देवर जी? वही तो, ना किसी से कोई झगड़ा, ना कोई शिकायत, बिना वजह कैसे जा सकती है वो? भैया वो चली गई है। क्यों गई, किस वजह से गई, इस सब में मत पड़िए। बस इतना समझ लीजिए आप कि वो सारे रिश्ते नाते तोड़ कर गई है। मर चुकी इच्छा हमारे लिए, इच्छा हमारे लिए। हे नागुमी देव, आप सब जानते हैं, सब समझते हैं। अगर मेरी नीयत साफ है, मेरा प्यार सच्चा है, मुझे कामयाबी दीजिए, ये परीक्षा पार करने की शक्ति दीजिए। इच्छा ने जोश में आकर बहुत ही गलत कदम उठाया है। नागिस्तान के आज तक के इतिहास में नेवला क्षेत्र परीक्षा को कोई भी पार नहीं कर सका है। इसमें कामयाब होना लगभग असंभव है। मुझे घर से तो निकाल दिया बब्बल जी, अपने दिल से कैसे निकालोगे? निकाल दूंगा, अपने दिल से भी निकाल दूंगा। इच्छा, तुम्हारी हर एक याद का नाम और निशान मिटा दूंगा, अपने दिल से भी और इस घर से भी। जी बबल तो गुस्से से उबल रहा है, मैंने आज तक इसे इतने गुस्से में ना देखा। लग है इच्छा के साथ चोरों का झगड़ा हुआ है। हमारा बेटा है तो पहलवान बुद्धि, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। हाँ पिताजी, मुझे भी यही डर है, कहीं इसने भी उस अखबार वाले आदमी की तरह अपनी पत्नी को। अरे वो जी, डरा मत, अंदर चला। अच्छा आप छोरे अकेले गठरी बांध रहा, ला मैं तेरी मदद कर दूं। अरे क्या हो गया, ऐसे गुस्से से मेरी तरफ क्यों देख रहा है तू? अब खास क्यों रहे, कुछ बोलना है तो सीधे सीधे बोलिए ना। खोलिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खोलनी है गठरी, बांधनी ना है। भैया खोलिए नहीं, बोलिए बोलिए। बबल अरे बबल, ऐसा है देख, इच्छा से क्यों नाराज है ये तो हमें नहीं मालूम, वो कहाँ है यो बता दे। उसका नाम भी मत लीजिए बबल। अच्छा तो ये बता दे कि तेरी पत्नी कहाँ है। उसका नाम मत लीजिएगा, मतलब है उसका जिक्र भी मत कीजिए मेरे सामने। आप दोनों जाइए, ऐसे मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। अब्बल मेरी बात तो सुन। आप जा रहे हो, मैं जाऊँ? नहीं नहीं भाई, भाई भाई हम जा रहे हैं। छोरे चले, छोरे चले। अरे मतलब छोरे चले। ये बबल को हो क्या गया है?
इच्छा का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता है। जरूर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। इच्छा नाराज होकर चली गई, इसीलिए बबल को और भी गुस्सा आ गया। और कोई बात नहीं, शाम तक इंतजार करते हैं, दोनों का गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद ही सुलह कर लेंगे। बबल रुक जा छोरा, छोरा के चल रहा है सुबह से? तू इच्छा से इतना नाराज क्यों है? इच्छा घर छोड़ के क्यों गई? तू चुप क्यों है बबल? बोल के बात है? अरे तू कुछ बताएगा भी? बबल तू इस तरह से चुप नहीं रह सकता। तू चुप रहेगा तो फिर हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें आएगी। क्या हुआ बेटा बता ना। बबल मैं तेरा बाबू, मुझे बता दे क्या हुआ है। बबल ऐसी छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, मेरे ममता में कितनी होती है। बबल बता दे, देख बहुत हो गया यार। छोरा चुप रहने से कुछ ना होगा, तू बोल तो सही क्या बात हो गई? क्या बात है बबल बेटा बता तो सही। बबल बोल ना। बोल यार। कुछ नहीं हुआ उन दोनों में। कुछ नहीं हुआ तो फिर इच्छा घर छोड़कर क्यों चली गई? क्योंकि वो इंसानों के बीच नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, वो नागिन है। छोरा अपनी जबान को लगाम दे। इच्छा इस घर की बहू है और इस घर में बहू बेटियों की इज्जत होवे। ऐसी भी क्या नाराजगी कि तू इच्छा को नागिन बोल रहा है? दादी ये नाराजगी नहीं है, यही सच है। छोरा छोरा पति पत्नी में अनबन होवे, गुस्से में एक दूसरे के लिए गलत शब्द निकल जावे, छोरा ये तो हद हो गई। हमारे घर के ये संस्कार ना है छोरा। दादी अब समझ क्यों नहीं रही है? इच्छा वाकई में घर वालों को कभी मत कहिएगा कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पता नहीं वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। तो कहना क्या चाह रहे कि इच्छा नागिन है? दादी नागिन मतलब नागिन जैसी। बात बात में रूप बदलने वाली, बात बदलने वाली। दादी वो जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। उसके भोले भाले चेहरे के पीछे झूठा और स्वार्थी चेहरा छुपा था। जिस घर ने उसे दूध पिलाया उसी को डसने चली थी वो, और इसलिए मैंने उसे। जिस घर ने उसे दूध पिलाया उसी को डसने चली थी वो, और इसलिए मैंने उसे। ना छोरा ना, मैं ये बात नहीं मान सकती। मतलब आपको मुझ पे भरोसा नहीं है दादी? भरोसा है छोरा, भरोसा है, लेकिन मैंने इच्छा पर भी उतना ही भरोसा है। मैं एक की बात सुनकर दूसरे को दोषी ना ठहरा सकती। मैंने इच्छा का पक्ष भी सुना होगा। बता छोरा इच्छा का है? बोल छोरा। वो मैं नहीं जानता दादी, लेकिन हाँ इच्छा हमेशा के लिए चली गई है। अब वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। कभी वापस नहीं आएगी। छोरा हमारी बात सुन ले छोरा। बबल रुक जा छोरा। मेरी तो अक्कल ही काम नहीं कर रही। थोड़ी देर पहले ये कह रहा था मायके गई है, आप कह रहे हैं अभी वापस लौट कर नहीं आएगी, कल का आएगा। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। चल अरे संभल, अपनी माँ को संभाल। पिताजी शिवजी ना करे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो,
क्या सोच रहा है तू? नोच रहा पता तो सोच रहा हूँ। अरे भाई सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाओ वरना तेरे बाल नोच लूंगा। मैं कह रहा हूँ क्या सोच रहा है तू? मेरा मतलब है अखबार वाले पति की तरह कहीं बबल ने भी इच्छा को तब तो छोरा जेल जाएगा। खेल जाएगा? अरे पिताजी खूनी खेल तो वो खेल चुका होगा। अरे खेल नहीं जाएगा, जेल जाएगा, जेल। जेल? अरे नाना मैं अपने भाई को जेल ना जाने दूंगा, उसकी जगह मैं जेल चला जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा? तूने खून थोड़ी किया है। बबल का जुर्म मैं अपने सर पे ले लूंगा पिताजी। अरे मैं तो आधी जिंदगी जी चुका हूँ, बबल की तो अभी जिंदगी शुरू हुई है, वो काल कोठरी में ना कटने दूंगा। अरे नाना छोड़े ऐसी बातें ना कर, तुम दोनों में से कोई भी जेल जाएगा मारे से बर्दाश्त ना होगा। आप जाओगे पिताजी? छोरा मारी तरफ देख, अब बता के बात। जितना मैं तुझे जानती हूँ तो बेवजह नाराज होने वालों में से नहीं, और इच्छा इच्छा तो तुझे कितना प्यार करती। छोरा ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू उसको स्वार्थी और ढोंगी बोल रहा है? I'm sorry दादी, मैं आपको वजह बता नहीं सकता। दादी आप बस इतना समझ लीजिए कि इच्छा एक एक बुरा सपना थी जिसे हमें भूल जाना चाहिए। ना तो मेरी पत्नी कहलाने के लायक थी और ना ही इस घर की बहू। ये क्या है बबल, एक और तो पूरी बात साफ साफ बता नहीं रहा है और दूसरी और हमसे कह रहा है कि इच्छा को नालायक समझ। कल तक तो तू उसकी तारीफें करते हुए थकता नहीं था, आज अचानक तू उसकी बुराई कर रहा है। हम किस बात पर यकीन करें? बबल एक बात समझ ली, मारी बूढ़ी आके कमजोर जरूर हुई है लेकिन इतनी कमजोर ना हुई है कि इंसान को पहचान ना सके। इच्छा एक प्यारी बच्ची, अच्छी इंसान, अच्छी बहू है और अच्छी पत्नी है, और सबसे बड़ी बात वो तुझे पागलों की तरह प्यार करती है। नहीं वो प्यार झूठा था, मतलब ही था वो प्यार। ये पटल अचानक बंद क्यों हो गया? इच्छा रोको इस जुनून को, छोड़ो ये पागलपन। पाकू तुझे भी यही लगता है कि? और क्या कहूँ मैं इसे, नेवलों के जंगल में जाना मतलब मौत के मुंह में जाना, वहां एक से एक खतरनाक नेवले होंगे, पता नहीं तुम उनका मुकाबला कैसे करोगी। अभी तो बस शुरुआत है इच्छा, इतना खतरनाक सफर तुम कैसे करोगी? जी चाय पी लीजिए। मैंने कोई चाय वाय ना पीनी है। दादी जी पी लीजिए ना, वैसे भी घर में इतना सब कुछ हो रहा है, सोच सोच कर आपका सर भारी हो गया होगा, चाय पी लेंगी तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अम्मा जी क्या कहा बबल ने, उसने क्यों? प्रबल 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 कहाँ है? अरे आप कहाँ है प्रबल? प्रबल कहाँ? कौन प्रबल? अरे तेरा बड़ा भाई। मुझे क्या पता? ओ प्रबल खड़क, तू प्रबल को क्यों ढूंढ रहा है? एक पल के लिए मारे आंख लग गई थी, मरने लग गए, प्रबल धार चला गया। मुँह में लड्डू रखा है के? जोर से क्यों नहीं बोलता?
लगता है थाने चला गया। वो थाने चला गया। हाजी इच्छा का ससुराल यही है? जी हाँ, लेकिन दुर्गो जी आप यहाँ इच्छा को? गबन तू क्या कर रहा पुलिस वालों के साथ? इन्होंने थाने आकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म? कैसा जुर्म? इनका कहना है कि इन्होंने अपने छोटे भाई बबल की पत्नी इच्छा का खून किया है और उसकी लाश पहाड़ी से बहने वाली नदी में बहा दी है। ओम श्री शेषाय नमः। 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 पिताजी ने सही कहा था, क्या एक एक कदम पर खतरा है। तुझे सावधान रहना होगा इच्छा। ओम श्री शेषाय नमः। प्रबल यहाँ आ। तो उस नदी में तो लाश बह ही नहीं सकती, 2 साल से सूखी पड़ी है। मेंढक को तैरने जितना पानी तो ना है उसमें। अच्छा दादी, वो मैंने ध्यान ही ना दिया, वो 3-4 साल से गया ना हो ना मैं उस तरफ। अगर तू गया नहीं 3-4 साल नदी के पास और उस नदी में पानी नहीं है तो तूने लाश कैसे बहा दी? वो जितना पानी था उसमें थोड़ा सा पानी और डालो और लाश बहा दी। अरे पिताजी पुलिस क्यों आई है? अरे क्यों आई है? तू कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप खड़ा रहे, मां सब संभाल लेगी। दरोगा जी, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये झूठ बोल रहा है। और ये झूठ क्यों बोल रहा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ कोई खून वो ना हुआ है। खून? इसका खून? कौशल्या जी, आप जो कह रही हैं हो सकता है ये सब सच हो, लेकिन प्रबल ने खुद थाने में आकर अपना जुर्म कबूल किया है। अब इस मामले को मैं ऐसे ही रफा दफा नहीं कर सकता, मुझे इच्छा से पर्सनली मिलना होगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ है और ना ही उसके खून जैसा इन्होंने बयान दिया है। कहाँ इच्छा? इंस्पेक्टर साहब, मैं बब्बल, इच्छा का पति। आप इच्छा से नहीं मिल सकते, वो अपने मायके गई है। तो ठीक है, आप उसके मायके का एड्रेस और फोन नंबर दे दीजिए, मैं वेरीफाई कर लूंगा। दरोगा जी, हमारे पास उसके मायके का पता ना है। कमाल है, एक तरफ तो आप कह रही हैं कि इच्छा आपकी बहू है और दूसरी तरफ आपके पास आपकी बहू के मायके का एड्रेस भी नहीं है। अब ये मामला हमें संदिग्ध लग रहा है, हमें इच्छा से मिलवाइए वरना आपके खिलाफ मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो सही लगे आप कीजिए, लेकिन ये सच है कि इच्छा अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई। अब वो कहाँ है, क्या करिए, ये हम नहीं जानते। अगर आपको हम पर शक है तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन अगली बार तब आइएगा जब पक्के सबूत हो आपके पास। मन ने पता है प्रबल ने इच्छा को नहीं मारा, इच्छा को तूने मारा है। मेरी बात तो सुन, तूने सारे सबूत तो मिटा दिए ना, चिंता मत कर, अगर नहीं मिटाया ना तो हम मिलकर मिटा देंगे। पिताजी आप क्या बोल रहे हो? मैं इच्छा से नाराज हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ उसका खून कर दूंगा। दरोगा जी, आप प्रबल की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो बावला है, हमारा विश्वास कीजिए। इच्छा का खून ना हुआ है, वो तो बबल के साथ झगड़ा हुआ और नाराज होकर अपने मायके चली गई। वो जैसी आएगी मैं आपको फोन करूंगी, फिर आप आके मिल लेना। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपके घर पर मेरी नजर बनी रहेगी। चलो
देखा। तुम यहां फिर आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना इच्छा कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना। तो फिर और तुम अंदर कैसे आई? तुम तो इच्छाधारी नागिन हो ना, तुम तो कहीं से भी आ सकती हो। बाबा जी, मैं आपसे बात कर। चुप, एकदम चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जाओ यहां से यार, मुझे तुम्हारे चेहरे से भी घिन आती है। मेरी बात तो सुन लीजिए। जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कितनी आसानी से कह दिया, चली जाओ यहां से। लेकिन कैसे जाऊं बब्बल जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप शायद भूल रहे हैं, जिस इच्छा से आप इतनी नफरत कर रहे हैं उसी इच्छा की वजह से आपकी सांसें चल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैंने अपनी आधी जान आपको दी है और उसी वजह से आप जिंदा हैं। आपको याद है दिवाली के दिन उस बम वाले हादसे में जब आप बुरी तरह घायल हुए थे? अब्बू, डॉक्टर ने आपको मृत घोषित कर दिया था, यहां तक कि आपको अर्थी पर लिटाकर और फिर अचानक चमत्कार हुआ, आप जिंदा हो गए। चमत्कार नहीं था बब्बल जी, मैंने अपनी आधी जान देकर ईश्वर से आपकी जिंदगी मांगी थी। इच्छा, तुम कौन हो? तुम और तुम अंदर कैसे आए? डरो मत, मैं वाकू इच्छा का दोस्त, समझ लो भाई हूं उसका। तुम जो भी हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा, खुद आकर तुमसे ये बात कभी नहीं कह पाती, इसीलिए मैंने कहा एक बात जान लो, तुम इच्छा के लिए बहुत खास हो। अगर इच्छा स्वार्थी होती तो अपनी आधी जान तुम्हें कभी नहीं देती। अपन तुम एक इंसान हो, आधी जान देते वक्त जो दर्द होता है वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन इच्छा एक पल के लिए भी नहीं कतराई, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए उसने ये दर्द भी हंसते हंसते झेल ली। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। जब इच्छा की कोशिश कामयाब नहीं हुई, उसने तुम्हें भेजा मुझे मनाने के लिए, है ना? नहीं बबल, ये सच नहीं है। इच्छा तो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ पर हूँ, वो तो वहाँ। वहाँ क्या? दुख तो इस बात का है कि तुम इच्छा के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। उसने तुम्हें अपनी सांसें दी और बदले में तुमने उसे क्या दिया? नफरत, धुतकार। बबल, तुमने उसे अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल दिया, फिर भी वो नागिस्तान में लगी हुई है तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। मतलब नागिस्तान के नाग तुम्हें मारना चाहते हैं? क्या? नागिस्तान के नाग मुझे मारना चाहते हैं? क्यों, क्या बिगाड़ा मैंने उनका? कुछ नहीं, लेकिन तुम नागिस्तान का राज जान चुके हो और नाग स्मृति के विधान के अनुसार तुम नागिस्तान के लिए खतरा हो, इसीलिए वो सब तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। वो इच्छा पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो तुम्हें दी हुई आधी जान वापस ले ले, क्योंकि दी हुई आधी जान वापस लेना आसान है, बस कुछ मंत्र पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं मान रही, क्योंकि वो तुमसे कहाँ है इच्छा? कहाँ है इच्छा? पाकिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा पर निकल चुकी, वो इस परीक्षा के जरिए नागोमी देव की मर्जी जानना चाहती,
अगर वो इस परीक्षा में सफल हुई तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा, और अगर वो असफल हुई इच्छा की जान जाएगी। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बाको? उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने इच्छा पे भरोसा नहीं किया और मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं मैं। वाकू प्लीज मुझे इच्छा के पास ले चलो, मुझे उसे मनाना है, उसे वापस लाना है। प्लीज वाकू मेरी मदद करो, प्लीज मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बगैर। इच्छा नेवला क्षेत्र के जंगल में है और तुम नागो और नेवलों की दुश्मनी तो जानते हो ना, उसका वहां से बचकर आना लगभग असंभव है। इच्छा भी वाकई में पागल है, उसने एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी जिसे उसके प्यार की कदर ही नहीं है। और अब इच्छा से क्यों मिलना तुम्हें जब तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं है? तो पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे जी पाएगी वो। लेकिन एक बात की तो तसल्ली है, अब बार बार दुखी नहीं होगी वो, बार बार अपने पति के तिरस्कार और अविश्वास का सामना नहीं करना पड़ेगा उसे। बाकू प्लीज ऐसा मत कहो, ले चलो मुझे इच्छा के पास, मैं जाऊंगा नीला क्षेत्र के जंगल में। ये आसान नहीं है बबल। असंभव तो नहीं है ना? वहां जाने का मतलब है मौत। वहां जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन इच्छा के बगैर मैं जीते जी मर जाऊंगा बाकू। इससे अच्छा यह है कि मैं वहां जाऊं। तुम इच्छा के भाई हो ना, ले चलो मुझे उसके पास। ओम श्री शेषाय नमः। ओम श्री शेषाय नमः। ओम श्री शेषाय नमः। आ कोई भी नहीं है। फिर ये जख्म कैसे? जरूर इच्छा जख्मी हुई है बबल, और क्योंकि उसकी आधी जान तुम्हारे अंदर है, इसलिए जब जब इच्छा जख्मी होगी या उसे चोट लगेगी या दर्द होगा तब तब तुम्हें भी चोट लगेगी और तुम्हें भी दर्द होगा। इसका मतलब इच्छा भी वो निश्चित ही किसी मुसीबत में है। तुम्हें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा और उसे बचाना होगा। अरे इच्छा को बचा लो बबन, उसे जिंदा वापस ले आओ। ओम श्री शेषाय नमः। 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 इच्छा Ah!
इच्छा, इच्छा, बबल जी, इच्छा, इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा मैं आ गया हूँ, इच्छा। ओम श्री शेषाय नमः। इच्छा। तुम ठीक हो इच्छा? तुम ठीक हो? बाबा जी आप यहाँ क्यों आए? आप जख्मी हो गए हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इच्छा मुसीबत में और बबल ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? शादी के फिर लेते वक्त मेरा तुमसे वादा किया था कि अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगा, खुशियों में भी कठिनाइयों में भी। इच्छा बीच में थोड़ा बह गया था लेकिन अब संभल गया हूँ। सॉरी इच्छा, मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं है बब्बल जी। आप यहाँ तक आए, किसी से पता चलता है मुझसे कितना प्यार करते हैं। चलो तुम्हें इस जंगल से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। चलो इच्छा, पापा जी मुझे नहीं लगता मैं और आगे चल पाऊंगी। नागोमी देव की इस मूर्ति को इस जंगल के बाहर नाग चैतन्य भूमि पर स्थापित कर पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। साथिया, साथिया, मेरे साथिया, 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 मेरे साथिया। नागोमी देव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, ये परीक्षा खत्म हुई। अब मुझे पूरा यकीन है
कि आपने बब्बन जी को माफ कर दिया है। शुक्रिया नागोमी देवी, आप ही की वजह से मैं इच्छा तक पहुंच पाया, उसे बचा पाया, शुक्रिया। चलिए बब्बल जी, हम नागिस्तान चलते हैं, सबसे कह देते हैं कि परीक्षा सफल हुई, अब उन्हें आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी, पिताजी देखिए, आपकी इच्छा आपके सामने खड़ी है। नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा पूरी की है, नेवला क्षेत्र पार किया है, नाग चैतन्य भूमि पर नागोमी देव की मूर्ति स्थापित की है। नागिस्तान का इतिहास ये कहता है, जब जब किसी ने यह परीक्षा पार की है, नागोमी देव ने उसे क्षमा किया है। आज मैं भी क्षमा की उम्मीद करती हूँ और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा देने का फैसला मेरा था, लेकिन इसमें बब्बल जी ने मेरा साथ दिया। अगर वो ना होते तो शायद मैं जिंदा वापस आ ही नहीं पाती। हम तुम्हारे प्यार और हिम्मत की कद्र करते हैं, लेकिन हम नागिस्तान का विधान नहीं बदल सकते हैं। बब्बल नागिस्तान के बारे में बहुत कुछ जान चुका है और अब तो यहां पहुंच भी गया है। अब इसका जिंदा रहना असंभव है। इसे मरना होगा। अगर आपका यही मानना है तो ठीक है, जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन बब्बल जी को मारने से पहले आपको मेरी मौत देखनी होगी। नहीं अच्छा, तलवार नीचे करो, नीचे करो। मुखिया जी, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। नागिस्तान का विधान किसी भी इच्छा और बब्बल से ऊपर है। तक्षक, मेरे तीन गिनने पर तुम बब्बल को इस जहर के कुंड में धक्का दोगे। मुखिया जी, आप मुझे गलत मत समझना, नागिस्तान का मुखिया होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। सच कहूं तो मुझे ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर गुजरता है, उसे इस तरीके से सजा देना, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हारी मौत तो नहीं टाल सकता, लेकिन उसे आसान जरूर बना दिया है। हम तुम्हें ऐसी मौत देने जा रहे हैं जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इस कुंड में नागिस्तान का सबसे तेज जहर भरा हुआ है, इसमें गिरने के बाद कुछ ही पलों में तुम्हारी जान निकल जाएगी। ले जाओ इसे। मुखिया जी, मैं और बब्बल जी पति पत्नी हैं,
हमने एक दूसरे को वचन दिया है, हम जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। अगर आपको मारना ही है तो हम दोनों को मारना होगा। साथिया साथिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नागिस्तान के विधान की रक्षा करने के लिए अगर मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। आज यहाँ एक नई मिसाल कायम हुई है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। नागिस्तान नागों की भूमि है। नाग ईश्वर की वो रचना है जो शांति और प्यार में विश्वास करते हैं। आज धरती पर इंसानों ने ईर्ष्या, अहम, लालच और झगड़े ने कहर मचा रखा है। उसके संसर्ग से बचने के लिए ही हमने नागिस्तान को हमेशा इंसानी बस्ती से दूर रखा है। यहाँ का हर नियम उसी इरादे से बना है, लेकिन दुनिया का कोई नियम प्यार से ऊंचा नहीं। आज बबल ने अपनी पत्नी के लिए जो किया है वो प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है, और इसीलिए मैं नागोमी देव आज बबल को नागिस्तान के विधान से मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ। लेकिन एक शर्त है, आजीवन बब्बल को नागिस्तान के रहस्य को रहस्य ही रखना होगा। अगर गलती से भी ये रहस्य किसी के सामने खुला तो वो पल तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी पल होगा। इच्छा, गुरु जी के मुख से साक्षात नागोमी देव ने अपना फैसला सुनाया है। हम सबके लिए उनका फैसला सबसे ऊपर है, हम सब उसका आदर करते हैं। बब्बल, अब तुम आजाद हो, तुम इच्छा के साथ अपना गृहस्थ जीवन जी सकते हो, लेकिन हां, नागोमी देव की शर्त हमेशा याद रखना।
जानता था तुम दोनों का प्यार तुम्हें हर कसौटी से पार कराएगा। बच्चों, नागौमी देव की कृपा का भार संभालना आसान नहीं है, इसलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आज से जो भी करोगे सोच समझ कर और संभल कर करना। यहां से जाते वक्त जख्म नहीं खुशियां लेकर जाओगे तुम दोनों। जाओ, नागौमी देव तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे खाइए खाइए पकोड़े। बस 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 बस। अरे खाओ ना। और कितने पकोड़े खिलाएंगे आप लोग? ये पकोड़े छोड़िए, मुझे इच्छा का पता बताइए। एक ये बात हुई दरोगा जी, हम इतने प्यार से आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं और आपकी सुई इच्छा पर अटकी है। सुई तो अटकेगी ना कौशल्या जी, खून का मामला जो है। अरे कोई खून वो ना हुआ है, ये हमारा प्रबल है ना, अव्वल दर्जे का बावला है, कुछ भी ऊटपटांग बोलता रहता है। आप इसकी बातों में मत आइए। हाँ दरोगा जी, रातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि रातों में हम सोते हैं कोई फायदा ना होगा। आपको जब भी आना हो दिन में आना, तसल्ली से तहकीकात करना। अरे ओ भाई, महाराज तुम्हें आने की बात ना कर रही, इस बात तुम्हें आने की बात कर रही है, समझा? अरे बस करो यार, मुझे इच्छा से मिलना है। हाँ दरोगा साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इच्छा से तो आप जरूर मिलके जाना। वो देखो क्या है, हम सब से तो आप मिल चुके हो, इच्छा से मिले नहीं अभी तक। अब उससे नहीं मिलोगे तो उसे बुरा लग जाएगा ना। वैसे दादी इच्छा है कहाँ, दिख ना रही कहीं? गलत वक्त में सब भूल जा रहा है, मरवाया गया एक दिन। अरे वो रही इच्छा चाची। अरे दरोगा जी आप कब आए? पकोड़े? थैंक यू दादी, मुझे बहुत भूख लगी थी। इच्छा खाओगी? हाँ। अब देखना मैं इसके थप्पड़ लगाएगी। लगाऊं दो थप्पड़? कहाँ गई थी इच्छा जी, आप कहाँ थी? आपको पता है आपके बगैर यहाँ पर कितनी गड़बड़ हुई है? वो मैं बबल जी से नाराज होकर अपने मायके चली गई थी, फिर बबल जी खुद सामने से चलकर आए, मुझे मनाया, मेरी नाराजगी दूर की और मैं वापस चली आई। दरोगा जी मिल लिए इच्छा से, इसका खून वो ना हुआ है, जिंदा खड़ी है आपके सामने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो तो मैं चलता हूँ अब। और तू इच्छा के पीठ के पीछे के बोल रहा था, बताऊं मैं इसे? क्या बोल रहे थे दादी? दादी वो तो मैंने ऐसे ही। नहीं नहीं दादी बताइए ना। ये तुझे नागिन बोल रहा था। पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते, लेकिन समझदार पति पत्नी वो होते कि जो समय के रहते झगड़ा खत्म करते, और आज तुम दोनों ने वही समझदारी दिखाई। शाबाश, अब जाओ, जाके आराम करो, थक गए होगे। बब्बल जी वो इंसानों में कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मतलब देखिए ना, आपने अपनी जान खतरे में डाली, मुझे बचाया, इसी बहाने मुझे फिर से यकीन हो गया कि आप मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं।
कुछ नहीं। आप भी ना। अरे बब्बल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी रुकने के लिए कहते हैं, कभी अजीब अजीब मुंह बना रहे हैं। अरे मेरे करीब आते कांटे चुभने लगते हैं क्या आपको? नहीं इच्छा, ऐसी बात नहीं है। जाइए, मुझे आपके पास आना ही नहीं है। नहीं नहीं इच्छा, ऐसा नहीं है। देखो जब तुम मेरे करीब आती हो ना तो मुझे थोड़ा डर लगता है, किस करते करते तुम्हारा फन निकल आया तो। और देखो अच्छा, बात को समझो, एक नागिन और एक इंसान। इस ख्याल से ही देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुमने कहीं कोई चूहा देख लिया उसके पीछे भाग गई तो। पप्पल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चूहा? मैं चूहे के पीछे भागूंगी? आज तक मैंने ऐसी कोई हरकत की है? आप भी ना। बब्बल जी, मैं नागिन हूँ, लेकिन अब बाकी नागों की तरह चूहे मेंढक नहीं खाते, हम तो सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। मतलब वो तुम ही थी जो हर बार घर का सारा दूध गटक जाती थी, है ना? हाँ। अच्छा बब्बल जी, मजाक छोड़िए और सुनिए। मैं भले ही इच्छाधारी नागिन हूँ और आप एक आम इंसान, लेकिन हमारे बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा। हम आम इंसानों की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसी तरह एक दूसरे के करीब आएंगे। मेरा इच्छाधारी नागिन होना हमारे किसी भी चीज में आड़े नहीं आएगा। बस हमें एक बात का ख्याल रखना है, नागिस्तान का राज, वो गलती से भी किसी के सामने कभी नहीं खुलना चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। बस इसी तरह आप मेरा साथ देते रहिए बब्बल जी, फिर हम दोनों मिलकर मेरे मकसद को पूरा करके ही रहेंगे। कैसा मकसद? नागों के प्रति इंसानों की सोच बदलनी है, उन्हें नागों का दोस्त बनाना है, और इसकी शुरुआत मैं हमारे घर से करना चाहती हूँ। हमारे घर से क्यों? नागों से हमारा घर जितना डरता है उतना तो दुनिया का कोई भी घर नहीं डरता होगा। उनके मन से नागों के लिए डर निकालना होगा, उन्हें नागों के करीब लाना होगा। क्यों? नागों में देव ना करे, लेकिन आगे चलकर हमारी पोल खुल भी गई तो हम मतलब जोर का झटका धीरे से लगे, है ना? ठीक है, तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने में मैं तुम्हारे साथ। मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम।